अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको ढाबा स्टाइल तड़के की दाल बनाना बता रही हूँ। ये दो दाल मैं मिक्स करके बना रही हूँ, मसूर और मूंग। तो मसूर की दाल ज़्यादा है, मूंग की दाल कम है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे। मैं हंडी चढ़ाई, आप कुकर भी ले सकते हैं। मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी मसूर की दाल। मैं 2 कप मसूर की दाल ली थी, 2 बॉल। मैं 15 मिनट पहले ये भिगा ली थी। और 1 मुट्ठी उतनी मूंग की दाल दी। थोड़ी देर घी में दाल को फ्राई करेंगे, भूनेंगे। अब मैं इसमें अदरक ऐसा पीसेस कर लेके डाली। आप ऐसा बनाइए, बहुत टेस्टी बनती। आधा चम्मच हल्दी, पाव चम्मच दाल व्हाइट हो जाती, वो व्हाइट नहीं होने के लिए अपन 1/4 चम्मच मिर्ची मिलाएंगे इसमें फॉर कलर। और 2 हरी मिर्चियाँ डाल रहे हूँ। और थोड़ा सा नमक डालेंगे, दाल फीकी ना हो, थोड़ा सा नमक डालू मैं सिर्फ दाल में टेस्ट आने के लिए। बाद में नमक जो दाल जितना लगता है उसका बाद में डालूंगा। अपन ये सब मिक्स करेंगे, करके इसमें पानी डाल के ढाप देंगे गलने के लिए। दाल अच्छा गलना है, गले बाद में भी दाल में पानी रहना है, तो अपन इसमें दाल ज़्यादा पानी डालेंगे। अब इसको मैं कवर कर दूंगी। चलिए अब गले तक के, गलने के बाद देखिए 10-12 मिनट हो गए। मैं हटा के देख रही हूँ, अपनी दाल गल गई परफेक्टली। देखिए आप, जो अपने को पूरी गलना नहीं है, ऐसा रहना है, इसलिए मैं इसमें गलाई, कुकर नहीं यूज़ करी। ये हटा दे रही मैं, अब तड़का स्टार्ट। मैं अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डालूँगी, जो ये अपना पहला बघार रहेगा तड़का। मैं थोड़ा जीरा डाल रही हूँ, 2 सूखी मिर्चियाँ डाल रही हूँ, थोड़े हींग डाल रही हूँ,
चार हरी मिर्ची कट करके डाल दूंगी। थोड़ी हल्दी डाल दें। आधा चमचा लाल मिर्ची, आधा चमचा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, टमाटर डाल दें। अब सिर पे करके अपन इसको कवर कर देंगे टमाटर सॉफ्ट होकर। सिर पे कर दूंगा और इसको कवर कर दूंगी। सॉफ्ट हुए तक इसको कवर करके पकाएंगे सिम पे 5 से 7 मिनट। चलिए अब अपन देखेंगे टमाटरों का क्या पोजीशन है। देखो टमाटर तो मैं कर दूंगा तकरीबन गल गए, दिख रहे हैं सभी टमाटरों का। देखिए अपन इतना नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, कम रहे तो चख के डाल लीजिए मगर ज़्यादा मत डाल दीजिए। अब अपन जो दाल गला के रखे थे इसमें डाल देंगे 2-3 मिनट तक, थोड़ा और मिक्स करेंगे ये। देखिए मैं अब दाल इसमें डाल दूंगी। जो हंडी में दाल है उसमें थोड़ा पानी डाल के अपन हिला के डाल देंगे। अब ये स्टेज पे चख लीजिए आप, चख के अगर नमक कम दिख रहा आपको तो डालिए, नहीं तो बस है। अब मैं और एक तड़का रेडी कर रही हूँ। चलिए मैं इसमें 1-2 चम्मच उतना तेल डालूँ। देखिए मैं लहसुन डाल रही हूँ और लहसुन भुना हुए बाद में सूखे मिर्च डाल रही हूँ। देखिए तड़का रेडी हो गया, मैं सिर्फ इसमें लहसुन और सूखे मिर्चियाँ डाल रही हूँ। इसमें मैं धनिया कोथमीर डाली, हरा धनिया, अब मैं आपको डिश आउट करके बताऊं। देखिए अपनी ढाबा स्टाइल तड़के की दाल बनके रेडी हो गई। अब मैं इसमें कोथमीर डाल रही हूँ और एक देखिए अब ये स्टेप पे अपने को घी डालना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसी बनी। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जब भी कोई नई डिश अपलोड करूँगी तो आप तक पहले पहुँचेंगी। फिर मिलेंगे नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।